मौजूद हैं भागलपुर में, और भागलपुर में हमारे साथ हैं भागलपुर के विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा जी। अजीत जी, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया और दूसरे चरण में भी आप उम्मीदवार के तौर पर भी हैं, तो पहले चरण के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इससे पहले चरण के चुनाव के बाद आपकी और आपके पार्टी की गठबंधन की राह आसान हुई या मुश्किल लग रही है थोड़ी सी? आश्चर्य है कि आप लोग ये सवाल पूछते हैं। पूरा बिहार की जनता, पूरा बिहार की मीडिया, देश की मीडिया जान चुकी है कल जो चुनाव हुआ है ये महागठबंधन के पक्ष में हुआ है। और आपको बता दें 75% सीट, सर्वे बता रहा है, हम लोग को भी जो रिपोर्ट है, 75% सीट जो चुनाव हुए हैं उसमें महागठबंधन सीट जीतने जा रहा है, जिसमें कि राजद और ये कांग्रेस और CPI मिला के हम लोग को लगता है कि 75% सीट हम लोग जीत रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। NDA के का एक घटक है LJP और JDU के बीच भी लड़ाई चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच के लड़ाई में जो महागठबंधन को फायदा हो रहा है या महागठबंधन की एक अपनी लहर चल रही है? सर, जो कल चुनाव हुआ है ना उसमें एक भी सीट जदयू और लोजपा को नहीं मिल रहा है, आपको बता दें, और आगे भी जो चुनाव होगा कोई सीट वो लोग जीतने नहीं जा रहे हैं। चूंकि देखिए 15 वर्ष में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो रहे हैं, सचमुच वो तो काम करना चाहते थे, मुझे भी लगता था कभी कभी देख के, लेकिन उनके अधीनस्थ पदाधिकारी कोई उनकी निर्देश को पालन नहीं किए, जिसके चलते उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि आगे आने वाले में से 2/3 बहुमत तो छोड़िए, अब तो हम ये कहेंगे ऊपर से महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसमें कोई दूसरी बात सोचने का नहीं है, जनता इस बार मन बना चुकी है। क्या आपको लगता है कि क्या और कमी रह गई है जो आपको पूरा करना है इस 2-3 दिनों के प्रचार अभियान में? सर, ये चुनाव एक्चुअली, ये जो वोट है ना, इस बार सिर्फ वोट विधायक बनाने का नहीं है, यह वोट एक एक व्यक्ति देगा बिहार के दिशा और दशा बदलने के लिए, रोजगार के लिए, आपको शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। इस बार वोट अलग है, इसलिए एक एक वोट महागठबंधन को पड़ेगा, जहां राजद के प्रत्याशी होंगे उनको वोट देगा, जहां CPI के होंगे उनको वोट देगा, जहां कांग्रेस, सबको वोट देगा। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि 15 साल वो ठगे गए हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला, और देखिए रोजगार बहुत जरूरी है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षित करता है रोजगार के लिए, काम के लिए, बिल्कुल बिहार में नहीं मिला, और कोरोना महामारी में जिस तरह से सब लोगों ने उसको, हमारे बच्चों को आने नहीं दिया घर वापस, वो सभी बहुत गुस्सा है, इसलिए इस बार कहीं कोई सवाल नहीं है, 2/3 से भी अधिक बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जनता ही बनाएगी, क्योंकि जीत जनता की होगी, विकास की जीत होगी, हम लोग तो सिर्फ काम करने वाले सेवक रहेंगे। ऐसा चला कि ये चुनाव जो है विकास बनाम रोजगार की लड़ाई है, इस तरीके से ये लगा, तो आपको लग रहा है कि जनता जो है वो विकास के साथ रोजगार की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये 3 मुख्य मुद्दा है, और तीनों मुख्य मुद्दा पर हमारे जो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी और हम लोग भी, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, 3 मुख्य मुद्दा, और आप भी सोचिए ना, आपके बच्चे को शिक्षा अच्छा नहीं मिले तो क्या मतलब है जिंदगी का, स्वास्थ्य अगर आप बीमार पड़े या बच्चे बीमार पड़े उसको इलाज सही नहीं हुआ, क्या मतलब है जिंदगी का, क्या मतलब है सरकार का, और दूसरा रोजगार, बच्चे, माँ बाप जो है बच्चे को शिक्षित इसलिए कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि उनको काम मिले और वो अपना परिवार चला सके, इसलिए 3 मुख्य मुद्दा है, तीनों में NDA की सरकार विफल रही है, इसलिए बिहार की पूरी जनता इस 3 मुद्दे पे महागठबंधन सरकार को बनाने का काम करेगा और हम लोग इसको सुदृढ़ करने का और बिल्कुल काम करने का काम करेंगे। ये थे अजीत शर्मा, इनका कहना है कि इस बार महागठबंधन इस प्रथम चुनाव के चरण के चुनाव के बाद 75% सीट जीतने की उम्मीद है और 3 मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है और उसमें महागठबंधन को जरूर इस चुनाव में फायदा होगा।